तह उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस के इस मांग पर कांग्रेस को ही आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जब सीबीआई कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ करती है तो कांग्रेस को सीबीआई में कमियां नजर आती हैं, लेकिन आज जब वही कांग्रेस हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित है। कांग्रेस को किसी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के इन्हीं नेताओं का मैंने बयान सुना है कि सीबीआई की पर भी इन्होंने प्रश्न खड़े किए। जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी सीबीआई खराब हो गई, और जब कहीं और आवश्यक तो वहाँ सीबीआई चाहिए। तो पहले अपना नजरिया स्पष्ट करें। सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नजीर पेश की है, और पहली बार किसी अपराधी को सजा के जितने आयाम होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए 12 घंटे के अंदर अपराधी सलाह को अंदर कर दिए। बॉडी रिकवर हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, प्रत्येक दिन जांच पूछताछ चल रही है, और न्यायालय पर विश्वास रखिए कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसा हम सबका प्रयास। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता तारिक अंसारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारिक, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रही है, और इस मसले पर राजनीति कितनी चल रही है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, इस मामले में जो है राजनीति होनी शुरू हो गई थी। लगातार कांग्रेस सरकार पर यह दबाव बना रही थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो सूबे के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस हत्याकांड के बाद भी जो है ये साफ कर दिया था कि जो आरोपी हैं, जो अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी और पूरा मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इसके अलावा जो एसआईटी गठित की गई थी सरकार के द्वारा, जो एसआईटी लगातार अपनी नजर इस पूरे हत्याकांड पर बनाए हुए, लेकिन बावजूद सरकार की तमाम कोशिशों के विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता हत्याकांड के बाद एक्शन लिए हैं, जो फैसले लिए हैं, वो सराहनीय है। जबकि विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, और लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो महेंद्र भट्ट का ये साफ तौर पर कहना है कि जब सीबीआई ईडी सोनिया गांधी या राहुल गांधी से पूछताछ करती है तब जो है कांग्रेस सीबीआई पर भी सवाल उठाती है, लेकिन इस मामले में आखिर सीबीआई की जांच की मांग कांग्रेस क्यों कर रही है? तो कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, और बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि जो पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता हत्याकांड के बाद जो फैसले लिए हैं, जो एक्शन लिया है, वो सराहनीय है। पल्लवी, बिल्कुल, एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ही अंकिता हत्याकांड मसले की इस समय जांच कर रही है। क्या अंकिता के जो परिजन हैं वो अब तक की जांच से संतुष्ट हैं, या फिर उनकी भी ये मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए? बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार द्वारा जो अंकिता के परिजन थे उनको भी मदद का ऐलान किया गया था कि 25 लाख रुपए उनको मदद दी जाएगी। उसके बाद उनका एक बयान जारी हुआ था जिसमें बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही थी कि जो धामी सरकार अंकिता हत्याकांड को लेकर जो फैसले ले रही है, जो एसआईटी गठित की गई है, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। पर जाहिर तौर पर उन्होंने भी बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा था कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, जो जांच चल रही है हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष लगातार हमलावर है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसी तमाम मामले को देखते हुए महेंद्र भट्ट ने अपना बयान दिया है। पल्लवी, बिल्कुल, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अंकिता हत्याकांड को लेकर इस समय क्या सरकार राज्य में घिर रही है, क्योंकि कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और लगातार इस मसले पर बयानबाजी की जा रही है। सरकार की तरफ से क्या सफाई पेश की जा रही है इस समय? तारिक जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि पूरे केस को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने बिल्कुल त्वरित एक्शन लेते हुए हत्याकांड के बाद भी बिल्कुल साफ ये कर दिया था कि जो भी जरूरत पड़ेगी, जिस जांच की भी जरूरत पड़ेगी, वो जांच की जाएगी, और लगातार एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 3 आरोपियों को रिमांड पर एसआईटी ने लिया हुआ है। इसके अलावा एक और जो है एसआईटी ने गिरफ्तारी की है, जो पटवारी वहां पर मौजूद थे जिसने केस दर्ज किया था और उस अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया था, उसे नील
निलंबित भी कर दिया था। तो ऐसा आईटी ने उसे भी जो है गिरफ्तार करके उससे भी पूछताछ जारी कर रही है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिजॉर्ट के आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है, इसके अलावा जो रिजॉर्ट में लोग आते थे उनसे भी जो है पूछताछ जारी है, जो रुक कर जा चुके हैं जो पुराने कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। तो बिल्कुल सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि अंकिता हत्याकांड में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, बल्कि जो एसआईटी जांच कर रही है उसमें सहयोग करने की सरकार ने अपील की थी। एसआईटी ने भी अपील की थी कि अगर किसी के पास कोई अंकिता हत्याकांड से रिलेटेड कोई जानकारी है तो वो हमसे साझा करे। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो सरकार फैसले ले रही है वो सराहनीय है, जो एसआईटी काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, और जाहिर तौर पर अंकिता के जो परिजन है उन्होंने भी इस पर सहमति जताई थी। पल्लवी, चलिए शुक्रिया तारिक, आप हमारे साथ जुड़े।